Assalamu alaikum, this is Maru Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल सेंटर का सेक्शन सी करेंगे, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स. इसमें हम लोगों के पास 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट और करके दिए हुए हैं, सो ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बट स्टार्ट करते हैं. मोस्टली ये मुझे मुश्किल लग रहा था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और लॉन्ग हैं, बट आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि और सेक्शन बी एंड सेक्शन सी करवाएं, सो मैंने सोचा कि पहले सेक्शन सी स्टार्ट करवाती हूँ. सेक्शन बी पे आएंगे हम. पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, राइट द करेक्टरिस्टिक्स एंड एडेप्टेशंस इन फाइलम एंड लीडा आर्थ्रोपोडा एंड मॉलिस्क का. सो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास फाइलम मॉलिस्क है. पहले हम लोग जनरल करेक्टरिस्टिक्स देंगे फाइलम मॉलिस्क की, देन हम एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस. हमारे पास जनरल करेक्टरिस्टिक्स फाइलम मॉलिस्का की ये होती है कि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं. इनके पास एक शेल होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है. अब हमारे पास कुछ ऐसे भी स्पीशी हैं जिनके पास शेल नहीं होता है, तो मुझे बताया हुआ है कि स्लग, स्क्वाइड एंड ऑक्टोपस हैव रिड्यूस शेल, और किसी के पास इंटरनल शेल होता है, किसी के पास एक्सटर्नल शेल होता है. इसकी बॉडी ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, विलेटरली सिमेट्रिकल होती है, सिलोमेट होते हैं, और प्रोटोस्टोम इनकी जो होती है जिसमें क्या होता है, गैस्ट्रोपोर होता है, वो फर्स्ट हमारे पास डिवाइड होता है माउथ में. ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है. हर मॉलिस्क के पास एक सिमिलर प्लान ऑफ बॉडी होता है विद 3 मेन पार्ट्स. वो मेन पार्ट्स होते हैं फुट होता है, मास होता है, और मेंटल होता है. फुट होता है मूवमेंट के लिए यूज. आप लोगों ने अगर स्नेल को देखा हो तो आपको पता होगा कि उसके पास फुट होता है यूज फॉर द मूवमेंट. वेस्कुलर मास कनेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, मोस्ट इंटरनल को, और मेंटल जो होल्ड ऑफ टिश्यू होता है जो सिक्रीट करता है शेल को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी. एनिमल्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है डेवलप माउथ में, उसको हम कहते हैं रेडियोला. ये यूज होता है टेयरिंग, पुलिंग एंड स्क्रैपिंग के लिए. ये स्ट्रैप लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है. अब हमारे पास रिप्रोडक्शन की बात करें, ऑर्गन जो होते हैं मतलब सेम और सेपरेट बॉडीज में भी हो सकते हैं. एक ही स्पीशी में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल के, और सेपरेट बॉडीज में भी हो सकते हैं. फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल होती है, एक प्लेस होती है वाटर में. इनका लार्वा होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है जो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाती है. जैसे ट्रोकोफोर लार्वा एनिलेट में था वैसे ही इसमें भी ट्रोकोफोर लार्वा होता है. इसकी एग्जाम्पल दी हुई है यूनियो एक्टोपस पर्ल ऑस्टर, या आप कोई भी सी लिख सकते हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं. ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिख दी है, आप जो भी आपको एग्जाम्पल्स अच्छी लग दो वो आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी. मेरे पास है मिलेशनरी एडेप्टेशन इन मॉलिस्क का. सो डाइजेशन होती है, इनके पास एक कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल होता है जो स्ट्रेट होता है या कॉइल होता है. जिसमें शेल होंगे उसमें कॉइल होता है, जिसमें शेल नहीं होता उसमें स्ट्रेट होता है. तो ये स्पीशी पे डिपेंड करता है, लेकिन इनके पास फिर भी कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल जरूर होता है. टॉक अबाउट रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन हमेशा गिल से होती है एक्योटिक एनिमल्स में, और टेरिस्ट्रियल एनिमल जिसमें होते हैं उसमें हमारे पास एक लंग्स होते हैं, रुडिमेंट्री लंग्स जिसको हम कहते हैं. तो रेस्पायरेशन ऐसे होती है. ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें नहीं होते हैं, ओपन भी होता है क्लोज भी होता है. ओपन टाइप जो है वो ज़्यादा होती है, बट सेफलोपोडा के पास एक ऐसी क्लास है मॉलिस्क की सेफलोपोडा जिसके पास क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है. बाकी सब में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप की होती है. एक्सक्रीशन है तो इनके पास भी वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं. ट्यूबुलर न्यूक्रीडिया को ये यूज़ करते हैं. नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये कंटेन करते हैं वेल डेवलप नर्वस सिस्टम. इनके पास सेरिब्रम गेंगलिया होता है, कनेक्टिव्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, और इनसे बहुत सारे गेंगलिया जो हैं वो कनेक्ट होते हैं. सो नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप होता है. इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिस्क ये है कि वैरायटी ऑफ मॉलिस्क जिसके पास जिसको हम कहते हैं सेलफिश, वो हमारे पास यूज होती है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड. क्रस्टेशियन में क्रैब्स आते हैं, आर्थ्रोपोड की क्लास है, क्रैब्स प्रॉन्स आते हैं. सो ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड होते हैं. इनके शेल जो है वो यूज होते हैं फॉर डेकोरेशन. कुछ मेंबर मेरे पास पर्ल्स भी बनाते हैं ज्वेलरी के लिए. सो ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिस्क है. अबाउट फाइलम एंड लीडा. फाइलम एंड लीडा की भी जनरल करेक्टरिस्टिक बिल्कुल एक्जैक्टली सेम होती हैं. ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, फ्रेश वाटर और सी में भी होते हैं. एनएलएच जो होते हैं वो एक्टिव फ्री स्विमिंग प्रीडेटर्स होते हैं, एक्योटिक फिल्टर फीडर होते हैं. ट्यूब्स ब्रियड में जो मर्ड्स होते हैं, लीचेस एक्टोपेरासाइट्स होती हैं. आपने अगर लीच को देखा हो तो लीचेस एक्टोपेरासाइट होती हैं. ये खून जो है वो चूसने के लिए भी यूज़ होती हैं. इनके पास ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, बिलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब होता है इनके पास 3 लेयर्स होती हैं बॉडी के, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. ये हमारे पास बिलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. इनके पास जो है वो 2 सिलोम होती है जिसको हम कहते हैं 2 बॉडी कैविटी, और प्रोटोस्टोम होते हैं कि मतलब इसका जो ब्लास्टोफोर होता है वो डिवाइड होता है फर्स्ट माउथ में.
काइटे जो है वो प्रेजेंट होता है, कहते हैं सीटे, ये यूज होता है लोकोमोशन के लिए। इस सेगमेंट एंड पेयर में होता है, हर सेगमेंट में पाया जाता है, सेगमेंटेड होता है ना, मैटेमेटिकली सेगमेंटेड होता है, ये मैटेमेटिकली सेगमेंटेड होता है ना, सो इसलिए हमारे पास हर सेगमेंट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इनके पास जो है ये विद और विदाउट पेरिपोडिया भी होता है, जो हेल्प करता है लोकोमोशन में। रिप्रोडक्शन में सेक्सेस सेपरेट होते हैं इसके, और या तो फिर सेम बॉडी में भी हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट और हेट्रोफ्रोडाइट। एक ही बॉडी में होंगे हर्मा और अलग अलग बॉडी में होंगे तो हेट्रो। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, और ट्रोकोफोर लार्वा होता है इसका। आर्टवर्म और लीचेस भी आती हैं, बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स होती हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है एनालिट्स की। तो एनालिट्स ये सपोज किया जाता है कि फ्लैट वॉर्म्स की प्रिमेटिव टाइप है, लाइक जो प्रिमेटिव वहाँ से इवॉल्व हुए, इनकी डाइजेस्ट कंप्लीट होती है, माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं इसके पास। टर्मिनल एंड्स पे माउथ एनस होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वही एक्सटेंड करता है माउथ से एनस तक। रेस्पायरेशन में इसके पास कोई रेस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता, रेस्पायरेशन इसकी मॉइस्ट स्किन से होती है थ्रू डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्ट में इसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सो इसका मतलब है कि ब्लड के पास पाई जाती है, ब्लड फ्लो करता है थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जिसमें होता है उसमें ब्लड रेड होता है। वो इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं नेफ्रीडिया, जो ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया सेगमेंट में पाया जाता है। एक होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, हर सेगमेंट में पाया जाता है, और सीटे पेरिपोडिया जो है वो भी हर सेगमेंट में पाया जाता है। नेफ्रीडिया भी टू टाइप्स के होते हैं, अगर बॉडी से आउटसाइड ओपन हो रहे हैं तो वो होते हैं एक्टोनेफ्रीडिया, साइड ओपन हो रहे हैं तो वो होते हैं एक्टोनेफ्रीडिया, और एक जो अगर हमारे पास एलिमेंट्री कनाल में ही ओपन हो रहे हैं तो वो होते हैं एंडोनेफ्रिक। मैं तो नर्वस सिस्टम सिस करता है ब्रेन में, गैंग्लियोनिक इसके पास, और डबल नर्व कॉर्ड भी होती है, और हर सेगमेंट पे होता है, ये याद रखिएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि अर्थवर्म का फ्रेंड होता है अर्थवर्म, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को इसमें ऐड करता है और सॉइल को फर्टाइल कर देता है। टॉक अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा, हमारे पास 1 लाख स्पीशी पाई जाती है। लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमिलिया का, इसका मेंबर जो जगह होता है अर्थ में, इवन ऑयल वेल्स में भी ये पाया जाता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बिलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, सिलोमेट होते हैं, जिसमें हमारे पास एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं हीमोसील, ये मैं आगे बताती हूँ। प्रोटोस्टोम होते हैं, वही हमारे पास की माउथ पहले बनता है। तो हमारे पास ये कहा जाता है कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, इनके पास ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, हार्ड स्केलेटन होता है जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस इसको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, कहते हैं क्यूटिकल, जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड काइटिन, हमारे पास एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट करता है एनिमल्स को, प्रोवाइड करता है नरिशमेंट फॉर मसल अटैचमेंट विच हेल्प इन लोकोमोशन। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, नॉर्मली ये शो करता है मेटामॉर्फोसिस, जिसमें लार्वा कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में। इसकी एग्जांपल इंसेक्ट्स में हमारे पास बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, एक लिख दिया है कॉकरोच, बाकी स्कॉर्पियन, क्रैब्स, प्रॉन्स इसके अलग अलग स्पीशीज है। आर्थ्रोपोड्स में दी हुई है। डाइजेशन में आर्थ्रोपोड्स में ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो एक्सटेंड होता है माउथ टू एनस, माउथ सपोर्टेड बाय जॉज, जॉज भी इसमें प्रेजेंट होते हैं इसके माउथ में। रेस्पायरेशन में कहा हुआ है कि टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में रेस्पायरेशन टेक प्लेस होती है बुक लंग्स में, एक्वेटिक एनिमल्स में गिल से होती है। ट्रांसपोर्ट में कहा हुआ है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, ब्लड वेसल्स इसके पास एब्सेंट होती हैं, ब्लड फ्लो फ्रीली करता है थ्रू आउट द बॉडी कैविटी, जिसको हम कहते हैं हीमोसील, जो इंटरनल ऑर्गन है उसमें। ब्लड कलरलेस होता है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। एक्सक्रीशन में कहा हुआ है कि इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स में एक्सक्रीशन टेक प्लेस होती है मेलफेजियन ट्यूब्यूल से, इसकी रिमूव कर देता है नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी और हेल्प करें ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है सॉल्ट एंड वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना। कुछ एनिमल्स में लाइक क्रस्टेशियन ग्रीन ग्लैंड भी जो प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, सो इसको कहा जाता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सिस्टम की बात करें तो आर्थ्रोपोड्स में नर्वस सिस्टम जो होता है प्लेन में बट कॉम्प्लेक्स होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है एनालिट्स। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्रेन, जिसके पास गैंग्लिया भी होता है, लाइक इसके पास ब्रेन है गैंग्लिया है, लेकिन इनको हेड भी होता है इनके पास, जो इंटीरियर पार्ट है। डबल नर्व कॉर्ड होती है विद गैंग्लिया जो हर सेगमेंट में इसके पाए जाती हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आर्थ्रोपोड की दी हुई है, तो आर्थ्रोपोड्स बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है आर्थ्रोपोड की। ये इंसेक्ट हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, प्रीडेटर्स होते हैं प्लांट पेस्ट के, फूड का फॉर मैनी एनिमल्स, वही बात जो पहले करी है कार्निवरस प्लांट्स के लिए। फूड एक्सेप्ट फिश और अमोलिस, वो भी हमारे पास आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जैसे क्रैब्स, प्रॉन्स, ये सी में आते हैं। डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास मैमेलियन एप्स, डिस्कस सब क्लासेस ऑफ एनी वन क्लास, हमें तो एनी वन ही करना था बट जो करवा देती हूँ मैमेलियन एप्स इसी वीडियो में हम कर लेते हैं। एप्स और बर्ड्स के बारे में बताया हुआ, बर्ड्स इवॉल्व हुई थी रेप्टाइल से, मेसोजोइक था हमारे पास वो, उसमें इसके पास में शेल होता है और एमनियन एक मेम्ब्रेन होती है वो भी होती है, तो इसको कहते हैं कि इसके एग्स जो होते हैं स्केल्स होते हैं। हमारे पास जैसे स्केल्स होते हैं लेग्स में रेप्टाइल्स के, वैसे ही इसमें फीदर्स होते हैं बर्ड्स में।
इसलिए कहा जाता है कि टाइल्स इवॉल्व। बर्ड्स की सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है, डिफाइन ऐसे होता है कि इसके पास फीदर होते हैं, विंग्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इसको इसकी फ्लाइंग में। इसकी बॉडी कवर फीदर से जो बेसिक और आइडेंटिफाइड करेक्टर होता है बर्ड्स का, विंग राइड होते हैं, फोर लिम्स भी होते हैं इसमें। विंग्स में भी आगे आप पढ़ेंगे कि दो तरीके के होते हैं, एक में रिड्यूस विंग्स होते हैं और एक में विंग्स होते हैं, सो वो एक अलग कैटेगरी आ जाती है। बर्ड में भी इसका बेसिक जो करेक्टर होता है वो यही होता है कि इसकी बॉडी कवर होती है फीदर से, इसके बाद विंग्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है वो इसका बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, फास्ट होता है, कि ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, जो हेल्प करती है, जो यूज़ हो जाती है फ्लाइंग में, और मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मैकेनिज्म ड्यू टू हाई मेटाबॉलिक रेट। इनको बहुत इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, एनर्जी बनाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। इनका हार्ट जो है वो एडवांस होता है, कंसिस्ट करता है टू ऑरिकल्स और टू वेंट्रिकल्स, फोर चैम्बर्स ही होते हैं लाइक ह्यूमन में जैसे होते हैं। टू वेंट्रिकल सेपरेट करते हैं ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम ईच अदर। रेस्पिरेशन टेक प्लेस होती है लंग्स से, लंग्स में एयर सैक होते हैं, वो एयर को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। इनके पास फोर लिम्स होती हैं जो मॉडिफाई हो जाती हैं लंग्स में, ये फ्लाइंग ऑर्गन है। फ्लाइंग बर्ड्स में बोन्स होलो होती हैं, थिन होती हैं और लाइट इन वेट होती हैं, होती हैं माउथ पार्ट मॉडिफाइड होता है। इनकी चोंच कहलाती है जो वेरियस टाइप्स की होती है, हर उस पर अलग, हर एक बर्ड की अलग टाइप की बीक होती है। टीथ एब्सेंट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इसकी इंटरनल होती है, एमनियोटिक होते हैं, कवर्ड होते हैं हार्ड कैलकेरियस शेल से। सब क्लासेस होती हैं क्लास रेटिटाए एंड कैरिनाटे। सब क्लास में हमारे पास क्या होता है कि इसके पास बिग साइज होती है और हैवी वेट होता है, फ्लाइट लेस बर्ड्स होती हैं, विंग्स इसके रिड्यूस होते हैं, फंक्शन लेस होते हैं। स्टर्नम इसकी फ्लैट होती है, जिसके पास कील नहीं होती, वीक होती हैं, पोअरली डेवलप होती हैं। पाकिस्तान में इसमें से कोई सी भी नहीं है। ओस्ट्रिच, कीवी, पिजन और रिया तो ये सब क्लास रेटिटाए में आती हैं, जबकि अगर हम बात करें सब क्लास कैरिनाटे में तो ये इंक्लूड करता है ऑल मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स। ये स्मॉल होती हैं, इनका बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, बहुत लाइट वेट होता है, इनके वीक डेवलप होते हैं, फीदर्स ऑफ विंग्स, इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म होता है इसका, स्टर्नम जो लाइक होता है लाइक कील जो सपोर्ट कर रही होती है फ्लासल्स के, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे वर्जन, पैरट, क्रो, पीकॉक। सो ये हमारे पास थी एग्जाम। टॉक अबाउट क्लास मैमल्स। मैमल्स फर्स्ट अपेयर हुए थे अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन ईयर्स आगो, और एक्सटेंशन जब डायनासोर्स की हो गई थी 70 मिलियन ईयर्स आगो। नेम मैमल्स गिवन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है मिल्क एंड फीमेल्स टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द यंग वंस। ये एंडोथर्म्स होते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपना अपना बॉडी टेम्परेचर। इनके पास एक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम भी बहुत इफिशियंट होता है। इनके पास फोर चैम्बर हार्ट होता है, टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स। मस्कुलर डायफ्राम भी होता है जो सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को फ्रॉम द एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी में हमारा स्टमक से स्टार्ट होता है, जबकि थोरक्स होती है वो थोरेसिक कैविटी होती है जिसमें हमारे पास हार्ट लंग्स आते हैं। सो डायफ्राम जो हमारे पास प्रेजेंट होता है वो सेपरेट करता है दोनों कैविटीज को। ये हेयर्स प्रेजेंट होते हैं स्किन पे जो हेल्प करते हैं बॉडी को कि वो अपनी हीट को मेंटेन रख सके, अपना टेम्परेचर मेंटेन रख सके। एमल्स में एम्ब्रियो भी डेवलप होता है यूट्रस में। इसकी सब क्लासेस ये होती हैं कि डिवाइड होते हैं थ्री सब क्लासेस में, एक होता है प्रोटोथीरिया, एक होता है मेटाथीरिया, एक होता है यूथीरिया। जो क्लास सब क्लास प्रोटोथीरिया है ये मोस्ट प्रिमिटिव क्लास है, एग लाइंग एनिमल्स हैं। जो एग थे वो रेप्टाइल से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं स्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में भी। इसको मैमल्स होते हैं तो इनके पास एग में बहुत ज़्यादा इनफ योक होता है जो नरिश कर सके डेवलपिंग एम्ब्रियो को। बस ब्रेस्ट नहीं होते बट इनके पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, मेमरी फाय हो जाते हैं, स्वीट ग्लैंड्स, मिल्क बनता है, सिक्रीट हो जाता है फर ऑफ बेली में जहाँ से जो यंग वंस हैं वो लिक कर लेते हैं। प्लेटिपस, स्पाइनी एंड ईस्टर एनिमल्स आते हैं लाइक मोनोट्रीम्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो हेयर्स होता है और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होती है। क्लास मेटाथेरिया है, मेटाथेरिया पाउच मैमल्स कहलाते हैं, आपने देखा होगा कैंगरू इसमें आता है। इसके पास एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं पाउच इन द फ्रंट रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। यंग वंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं प्री मेच्योर और देन जो है वो डेवलप होते हैं इसी फ्रंट रीजन पाउच में। पाउच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मर्सोपियम, सो दैट्स वाई दीज मैमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मर्सोपियल मैमल्स। इसमें हमारे पास कैंगरू आता है। सब क्लास यूथेरिया होता है, ये प्लेसेंटल मैमल्स आते हैं जिसमें हमारे पास ह्यूमन भी होते हैं। इनके पास कनेक्शन होती है प्लेसेंटल मैमल्स है, प्लेसेंटा होता है, तो प्लेसेंटा कनेक्शन होती है एम्ब्रियो एंड मदर बॉडी के, सप्लाई कर सके फूड को और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को। यंग वंस डेवलप होते हैं यूट्रस में और बॉर्न होते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल एसेंशियल ऑर्गन्स, गेस्टेशन पीरियड जिसको हम कहते हैं। और एग्जाम्पल में इसमें हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, रेयर रैबिट, डंकी, ज़ेब्रा। अगर आप बताना चाहें तो ये बता सकते हैं कि लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल एलिफेंट होता है, जबकि बर्ड जो है वो ओनली फ्लाइंग मैमल।
सो दैट सेट और वाला भी कर लिया है, दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। देन हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद लेबल डायग्राम है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, ये फोर हैं। अभी हमने वन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में, देन हम आगे करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स टू, आपका रिस्पॉन्स के लिए पता चलेगा कि मैं आगे कराऊँ या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत भी है। हाफिज़।